देखिए, शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस समय उद्धव जी ने हमारे से मूल नाता तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत चालू की और जैसे जैसे बातचीत आगे खींची तो हमारे ध्यान में आया कि उद्धव जी तो हमारा फोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। तो फिर हमने और हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इसका विचार किया। ऐसे समय एनसीपी के कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि एनसीपी आपके साथ आ सकती है, हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। और शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूं, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी, किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए, उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की। और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? ये समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले। अग्रीमेंट हो चुकी थी? बिल्कुल, शरद पवार थे। हाँ जी, आपकी और शरद पवार की मीटिंग हुई। हाँ जी, उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाए, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट जी जी। उन्होंने अजीत पवार को पूरी अपनी ब्लेसिंग जी। और फिर अजीत पवार वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव देन टू कम विथ मी, क्योंकि हमने तैयारी पूरी कर ली थी, वो तो एक्सपोज हो जाती, वो तो खत्म हो जाते। तो इसलिए अजीत पवार ने और हमने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उस समय भी अजीत पवार ये मानते थे कि भाई चूंकि ये सारा इनिशिएट पवार साहब ने किया है, इतनी सारी बैठकें हुई है, सारी चीज़ें अपन ने तय की है, तो हम शपथ लेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, पवार साहब भी आएंगे। पवार साहब नहीं आए और फिर कोर्ट में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर हमको वो सरकार तोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने इससे पहले भी ये कहा है और बार बार कहूँगा, उस समय सरकार बनाने का जो प्रयास हमने किया था उसकी शुरुआत पवार साहब से बातचीत करके ही हुई थी। सब्सक्राइब करा तीसा जागर न्यूज, शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील।